अब सबसे ज्यादा दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि कितना पैसा इस पर लग सकता है, इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए। 100 क्लाइंट्स का एप्लीकेशन कर चुके हैं, नंबर वन। 50 से भी ज्यादा क्लाइंट्स के वीजे लग चुके हैं। ये बहुत ही इजी है, इसमें कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये हेलो गाइस, सो वेलकम बैक अगेन टू हम तो मिन इंग्लैंड। मैं हूं गौरव, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हम अपने चैनल पे यूके के बारे में, यूके की लाइफस्टाइल के बारे में, या फिर यूके अगर आपको माइग्रेट करना है, यहाँ पे जॉब ढूंढनी है, बिजनेस स्टार्ट करना है, तो इन सारी चीजों के बारे में हम अपने चैनल पे वीडियोज बनाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल पर जाकर सारी वीडियोज चेकआउट कर सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। आज की जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूके में रहते हो या फिर आप आउट ऑफ यूके या फिर इंडिया में रहते हो, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो यूके में अगर आप हो, तो अगर आप सेल्फ स्पॉन्सरशिप का नाम आपने सुना है और यहाँ पर आपको पता नहीं है कि सेल्फ स्पॉन्सरशिप वीजा क्या होता है, उसको कैसे अप्लाई करते हैं, या फिर आप यहाँ पे स्पॉन्सरशिप जॉब ढूंढने का ट्राई कर रहे हो और आप नहीं ढूंढ पा रहे हो, क्योंकि आप लोगों को पता है यूके में स्पॉन्सरशिप जॉब मिलना आज की डेट में बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है, और अगर आपको स्पॉन्सरशिप जॉब नहीं मिलती है तो इवेंचुअली आपको बैक होम अपनी कंट्री में वापस जाना पड़ सकता है। अगर आपके पास एक बिजनेस आइडिया है तो आप सेल्फ स्पॉन्सरशिप का फायदा उठा के आप अपने आप को स्पॉन्सर कर सकते हो, आप अपनी फैमिली को भी स्पॉन्सर कर सकते हो, और अगर आप इंडिया में हो तो भी आप यूके में बिजनेस स्टार्ट करके अपने आप को सेल्फ स्पॉन्सर करके यहाँ पे स्किल्ड वर्क का वीजा ले सकते हो। तो आज हमारे साथ में एक बहुत ही एक्सपीरियंस सॉलिसिटर है जिनके साथ हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में, और वो आपको डिटेल में बताएंगे कि ये सेल्फ स्पॉन्सरशिप होता क्या है, इसको कैसे अप्लाई करते हैं, और मेरे पास लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है उन सॉलिसिटर से पूछने के लिए, तो उन्हीं से बात करते हैं डायरेक्टली। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो। तो हमारे साथ है यहाँ पे यश। यश, आप पहले अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? यस श्योर। मेरा नाम है यश दुबल, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ कंपनी कोल्ड एवाएनजे सॉलिसिटर्स। एवाएनजे सॉलिसिटर्स जो है वो एक स्पेशलाइज्ड इमिग्रेशन लॉ फर्म है, लीगल 500 मल्टी अवार्ड विनिंग विथ ओवर 15 इयर्स एक्सपीरियंस इन सेंट्रल लंडन। सो हमारा जो काम है वो सिर्फ यूके इमिग्रेशन का है लास्ट 15 साल से, और लास्ट 15 साल में वी हैव एटलीस्ट सर्व्ड मोर देन 4,000 प्लस क्लाइंट, वी हैव लाइक 1,400 प्लस रिव्यूज ऑन ट्रस्ट पायलट एंड गूगल, एंड दिस इज व्हाट वी डू, यू नो, सिर्फ यूके इमिग्रेशन। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो यस, ओके, आई हैव गॉट लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, सो मैं आपसे काफी सारे क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ। हमारी ऑडियंस भी, हमारे व्यूअर्स भी जो है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इस चीज के लिए, सुनने के लिए कि सेल्फ स्पॉन्सरशिप वीजा होता क्या है बेसिकली। एब्सोल्युटली, आई एम वेरी एक्साइटेड गौरव, थैंक्स फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेल्फ स्पॉन्सरशिप नाम का कोई वीजा नहीं है, ठीक यस, है? तो ये क्या है? दिस इज अ रूट, वी कॉल इट अ रूट। 2.5-3 साल पहले हम मानते हैं कि हमने ये इन्वेंट किया है, पूरा प्रोडक्ट कॉल्ड सर्विस अ रूट हमने इन्वेंट किया 2.5 साल पहले, ठीक है? सबसे पहली मेरी वीडियो आई थी यूट्यूब पे, ये सेल्फ ओके, स्पॉन्सरशिप सबसे पहले, अभी तो बहुत सारे आ गए, लेकिन ये क्या है? इट्स अ रूट, अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इमिग्रेशन कैटेगरी कॉल स्पॉन्सर लाइसेंस एंड स्किल वर्कर वीजा। और आपके जो ऑडियंस है उसको मैं सिंपल, एकदम सिंपल तरीके से मैं समझाना चाहता हूँ कि ये क्या है, ठीक है? ये तीन स्टेप की प्रोसेस है। पहला स्टेप ये है कि यू हैव टू इनकॉर्पोरेट योर ओन कंपनी, आपको अपनी कंपनी बनानी है यूके में, उसके बाद आपको स्पॉन्सर लाइसेंस लेना है अपनी कंपनी के लिए, फिर क्योंकि आपको अपनी कंपनी खुद को चलानी है, सो ये थोड़ा नेचुरल है और लेजिट, और एक रीजन बनता है कि भाई खुद की कंपनी है तो खुद को तो वहां पे रहना पड़ेगा कंपनी चलाने के लिए ना, तो फिर आप क्या करोगे कि आपकी खुद की कंपनी चलाने के लिए आप अपने आप को स्पॉन्सर कर रहे हो आपकी कंपनी से, क्योंकि आप खुद स्पॉन्सर कर रहे हो टू रन योर ओन बिजनेस। हमने क्या बोला उसको, हमने सेल्फ स्पॉन्सरशिप नाम दे दिया, ओके। ठीक तो है, ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइप का वीजा नहीं है, बट दिस इज अ अप्रोच यू कैन टेक टू यस स्पॉन्सर योर सेल्फ, और यस इसमें आप अपनी फैमिली को भी कर सकते हैं। यस। इसमें क्या होता है, जो मेन एप्लीकेंट होता है उसको स्किल वर्कर वीजा लगता है उसकी खुद की कंपनी के काम करने के लिए, उसके साथ उसके स्पाउस पार्टनर भी आ सकते हैं, चिल्ड्रन जो बच्चे हैं अंडर 18 ईयर्स एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ पे बैठ के कर सकते हैं, अगर कोई इंडिया में हो वो अगर आना चाहे तो उनका क्या प्रोसेस हो सकता है, एक शॉर्ट में अगर आप बताना चाहो तो। श्योर श्योर, एनीवन फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड कैन टेक दिस रूट टू कम टू द यूके टू रन देयर जेन्युइन बिजनेस, ठीक है? फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, वो बाहर भी हो सकते हैं, यहाँ पे यूके में भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है? इसकी जो रिक्वायरमेंट है, आई थिंक सो, सबसे पहले कोई सुन रहा है तो बोलता है यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया, मुझे करना है, मुझे जाना है, ठीक है? मैं पीआर भी मेरी लग जाएगी 5 साल में, सिटीजनशिप भी मिल सकती है, मैं बिजनेस भी रन करता हूँ, आई एम वेरी इंटरेस्टेड। तो कुछ चीजें ना पहले मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि यार दो तीन चीजें आपको पहले एसेस करो, खुद को सेल्फ एसेसमेंट कर लो कि आपके लिए है कि नहीं है। हाँ, सही सो बात पहली चीज जो है, पहली चीज है, सबसे पहले आपको एसेस करनी है
कि आपको जेन्युइन बिजनेस इंटेंशन है कि नहीं है। अगर आप बोले वीजा के लिए कर रहा हूं तो भाई ये आपके लिए नहीं है, प्लीज डोंट कंसीडर इट, ये दिस इज नॉट फॉर यू। ठीक है, एग्जैक्टली। इफ यू रियली रियली वांट टू रन अ जेन्युइन एक्टिव ट्रेडिंग कंपनी इन द यूके, कोई भी बिजनेस कर लो, ये एक अच्छी चीज इसकी, ये रूट की ये है कि यू कैन रन लिटरली एनी बिजनेस। अनलाइक इनोवेटर वीजा, इनोवेटर फाउंडर वीजा में क्या होता है कि आपका वीजा जो बिजनेस है आपका इनोवेटिव बिजनेस होना चाहिए। हर एक बिजनेस इनोवेटिव नहीं होता है, 80-90% बिजनेस इनोवेटिव नहीं होते हैं, वो अपने टाइप के ही होते हैं। हाँ, कॉमन से बिजनेस होते हैं। ठीक है, 1 million टाइप के बिजनेस पर्सन है, यू नो, इंडिया में है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है, उनको आके यहाँ पे बस अपना खुद का बिजनेस करना है, उनको पता है, उनकी एक्सपीरियंस है, उनकी एक्सपर्टीज है, उनकी नॉलेज है, बड़ी हिस्ट्री होती है बिजनेस की, उनको सिर्फ एक्सटेंशन करना है कि चलो भाई यूके में जाके भी इसको फैलाते हैं ना, इसको आगे बढ़ाते हैं, यूरोप में लेके जाते हैं, अगर ये है तो आपके लिए है। ये पहली कंडीशन, ठीक है, जेन्युइन इंटेंशन टू रन अ जेन्युइन बिजनेस इन द यूके, ये पहली कंडीशन है। उसके बाद हो गया इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, ये थोड़ा आप देख लो कि आपको इंग्लिश टेस्ट पास करनी है, बड़ी बेसिक है, 4 बैंड चाहिए आईएलटीएस के हिसाब से, यूके की जो टर्मिनोलॉजी है यूके वीआई की, उसको B1 बोलते हैं, B1 लैंग्वेज जो होती है, टेस्ट होता है, B1 लेवल की आपको इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट चाहिए, जो आईएलटीएस की उसमें हम अगर उसको कन्वर्ट करें तो 4 बैंड बनते हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, एंड व्हिच इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, बहुत इजी है, B1 लेवल इंग्लिश इज वेरी इजी, बड़ा ही बेसिक रिक्वायरमेंट है, वेरी बेसिक रिक्वायरमेंट, और आपकी एग्जेम्पशन भी मिल सकती है अगर आपने कोई इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से बैचलर्स मास्टर्स किया हुआ है, और एल्स अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री का पासपोर्ट है आपके पास तो एग्जेम्पशन बनती है। आपके पास अगर इंग्लिश मीडियम आपने ओवरसीज पढ़ा हुआ है बैचलर्स मास्टर्स, तो आप ECCTI जो पहले UKNRE हुआ करती थी उसकी कंपेरिजन भी ले सकते हो, तो देयर आर एग्जेम्पशंस अवेलेबल, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट एक दूसरी चीज है। ओके, ठीक है। तीसरी चीज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास गौरव थाउजेंड्स ऑफ इंक्वायरीज आ रही है, ठीक है, तो जब मैं पहले से पता चला तो फिर क्या होता है कि उनका टाइम वेस्ट हो जाता है, फोन कर अरे यार मुझे करना था, नहीं हो सके। तीसरी चीज जो है वो ये है कि यार कुछ तो इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। यस, ये जो रूट है उसमें कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रिस्क्राइब नहीं है 2 लाख करना पड़ेगा, 5 लाख करना पड़ेगा, मिलियन करना पड़ेगा, इस कोई रिक्वायरमेंट नहीं। लेकिन एक सी चीज आपको सोचनी है कि आप खुद का बिजनेस कर रहे हो तो कुछ तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इट कैन स्टार्ट फॉर £25,000 से भी स्टार्ट हो सकता है, 50,000 से भी हो सकता है, £1,00,000 से भी हो सकता है। आपको सोचना है कि आपके खुद के बिजनेस को रन करने के लिए आपको कितने पैसे चाहिए। ठीक है, अगर आपने मान लो कोई सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री कर ली, IT कंसल्टिंग कंपनी कर ली, मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी कर, तो उस खर्चा कुछ नहीं, यू कैन वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, आपने छोटा मोटा वेबसाइट बना लिया, थोड़ी मार्केटिंग कर ली, वर्ड ऑफ माउथ से कर ली, तो इन्वेस्टमेंट बड़ा नहीं है, आप वर्चुअल ऑफिस भी रख सकते हो, कोई ऑफिस लेने की भी जरूरत नहीं, तो मिनिमम बजट में आप कंसल्टिंग जो सर्विस बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट हो गई £25,000, नो प्रॉब्लम। लेकिन सबसे बड़ा जो एक्सपेंस है, मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूं, ये है कि जब आप ये कैटेगरी में आते हो तो आपको खुद को पे करने पड़ेगी सैलरी खुद की अपनी कंपनी से £40,000 के आसपास मिनिमम पर ईयर। यस, जो कि स्किल वर्कर्स रिक्वायरमेंट है। यस यस, ये सैलरी आपके अकाउंट में आ रही है, ऑफकोर्स फॉर योर लिविंग एक्सपेंस, आपको पैसे तो चाहिए ही चाहिए, तो आपके अकाउंट में आ रही है, लेकिन इसकी टैक्सेस भी बनती है, आपको POI देना है, आपको टैक्स देनी है, तो ये जो मेंटेनेंस है ये भी आपको दिमाग में रखना है। सो देखें कि ये इसमें खर्चा है, ये नहीं कि मतलब कि वीजा कर लिया गया काम, ऑब्वियसली सेटअप करना उसमें खर्चा है, फिर आगे स्किल्ड वर्क स्पॉन्सर लाइसेंस लेना उसमें खर्चा है, फिर अपने आप को स्किल्ड वर्कर देना, सैलरी ड्रॉ करना। ओके, तो ये एक आपने, ये मेरा अगला क्वेश्चन था वैसे कि किस किस टाइप का बिजनेस कर सकते हैं, वो आपने आंसर कर दिया, किसी भी टाइप का कर सकते हैं, प्लस मिनिमम रिक्वायरमेंट भी आपने एक तरीके से बता दी कि इतनी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है। अब इसके साथ साथ कितना इजी है यूके में बिजनेस स्टार्ट करना, सेटअप करना, ये बड़ा गुड क्वेश्चन आपने पूछा, कितना इजी है सेटअप अ कंपनी इज नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, ऑफकोर्स विद द हेल्प ऑफ अ लोकल सेटल्ड पर्सन यू कैन इनकॉर्पोरेट कंपनी क्विकली। गेटिंग अ बिजनेस बैंक अकाउंट इज अ बिग चैलेंज, जो यहाँ पे रेसिडेंट नहीं उनके लिए बिग चैलेंज है, वो उसका सोल्यूशन हम प्रोवाइड करते हैं, ऑफकोर्स इनकेस दे फाइंड इट देमसेल्फ वंडरफुल, अदरवाइज दे कैन हायर प्रोफेशनल्स टू डू इट, वी प्रोवाइड दिस सर्विस फॉर श्योर, लेकिन वो चैलेंज है। बाकी तो खुद का अपना एक्सपीरियंस होना चाहिए, बिजनेस प्लान होनी चाहिए कि उनकी खुद की कनेक्शन होगी, उनके पास आइडिया होगा कैसे कहां से बिजनेस लाना है। रनिंग दैट बिजनेस इज सबकी अपनी अपनी एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज और नॉलेज के ऊपर है। ठीक है, बाकी
you know, if you ask me, I would say personally it's wonderful because we are running a very successful business. You know, and we have, by God's grace, we have been very, very, you know, rewarding for me personally. You know, it has been a great journey in last 15 years. So, yeah, there are plenty of opportunities, but it's again very subjective, Gaurav. That's great. That's great. Okay, so my next question is, I know बहुत सारे viewers हमसे हाँ सोच रहे होंगे इस time पे video देखते हुए कि how AYJ can help them. तो AYJ solicitor कैसे उनको help कर सकते हैं business setup करने में या starting में initial जो भी phases होते हैं उसको करने में. Absolutely. So जब हमने start किया था 2.5 years पहले तो client आते थे और बोलते थे यार हम बोलते हैं company आप कर लो खुद. तो उनके पास कोई कनेक्शन नहीं होता था कि यार कैसे करें, हमें करनी है लेकिन कहां जाए कैसे करें. तो हमने क्या किया कि हमने एक पैकेज बना दिया. ठीक है, एक पूरा एक पैकेज बना दिया, उसमें हम पूरा एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, एंड टू एंड कंप्लीट हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. हमने फिक्स्ड फी पैकेज बना दिया, उसमें 3 स्टेप जो प्रोसेस है सब हम इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं. पहली चीज तो है इनकॉर्पोरेट कंपनी. तो हमने क्या किया, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बनाए, चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, उनके हमारे हमारे साथ बहुत सालों से काम कर रहे, रिलायबल है, ट्रस्टवर्थी है, क्वालिफाइड है, तो उनको हम ये काम दे देते हैं. उनके साथ हमें लीगेस करना है, क्लाइंट्स हमारे साथ वन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट रहेगा, हम उनकी कंपनी इनकॉर्पोरेट करवा देंगे विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, उनकी बिजनेस बैंक अकाउंट करवा देंगे. वन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये व्यूअर के लिए ये है, ऑडियंस के लिए ये है गौरव आपकी, कि उनको ना बिजनेस बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आइडियली एक सेटल्ड पर्सन चाहिए जिससे ना उनकी बिजनेस बैंक अकाउंट इजी खुल जाएगी. तो वो भी हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के हिसाब से वो भी हम सप्लाई कर देते हैं उनको. अच्छा, जो तो किसी को नहीं जानते यूके में वो सॉल्यूशन भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं. वो सब प्रोवाइड हम हमारी ये पैकेज में कर रहे हैं. ठीक है, पूरा मतलब एंड टू एंड सॉल्यूशन. फिर जाके स्पॉन्सर लाइसेंस हम दिलवाते हैं कंपनी को, फिर जाके हम स्किल वर्कर वीजा भी करवाते हैं उनका. ओके, दैट्स ग्रेट. सो पूरा एंड टू एंड सॉल्यूशन आप प्रोवाइड कर सकते हैं. अगर किसी को पता है, अगर कोई चाहे कि हाँ मुझे पता है कि कंपनी रजिस्टर कैसे करनी है, तो दे कैन डू इट देमसेल्फ एज वेल. और इफ दे डोंट नो देन दे कैन कम टू यू और आप स्टार्ट से एंड से, स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा प्रोसेस आप कर सकते हैं. तो दैट्स ग्रेट. और इससे अगला जो क्वेश्चन था मेरा वो सैलरी से रिलेटेड ही था कि फॉर एग्जांपल कंपनी सेटअप होती है, उसके बाद हमें सबसे पहले स्पॉन्सर लाइसेंस लेना पड़ता है. तो स्पॉन्सर लाइसेंस लेने में कितना कॉस्ट लग सकता है, कुछ ऐसा आइडिया? श्योर. सो ऑफकोर्स देर आर टू पार्ट ऑफ फीस. नंबर वन इज गवर्नमेंट का फीस है. दूसरा चीज जो फीस है, लीगल फीस है, जो प्रोफेशनल लॉयर्स आप हायर करते हो उसकी फीस है. ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू वांट मी टू कवर. आई कैन कवर एनी वेज. सो स्पॉन्सर लाइसेंस की जो गवर्नमेंट की फीस है वो 536 पाउंड है स्मॉल कंपनीज के लिए. सो मोस्टली अगर ये स्टार्टअप कंपनी रहा तो 536 पाउंड गवर्नमेंट की फीस लगेगी. ओके, उसके बाद स्किल वर्कर जब अप्लाई करते हो तो आपको इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज पे करना है, इमिग्रेशन स्किल चार्ज पे करना है, गवर्नमेंट की होम ऑफिस की स्किल वर्कर की एप्लीकेशन फीस पे करनी है खुद के लिए और डिपेंडेंट्स के लिए. तो मोटा मोटा मेरे हिसाब से मैं बोलपार्क नंबर देना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट की फीस होती है ना मेन एप्लीकेंट के लिए 5 साल का वीजा के लिए समवेयर अराउंड 6,500 के पास होती है रफली. 6,500 पाउंड फॉर मेन एप्लीकेंट फॉर 5 ईयर्स. 5 साल के बाद आपको ILR मिल सकती है. सीधा 5 साल का वीजा ले लो, 5 साल के बाद ILR मिल सकती है. ईच डिपेंडेंट अराउंड 4,500 पाउंड ईच डिपेंडेंट गवर्नमेंट की 5 साल की फीस है. ये मैं बोलपार्क फिगर डाल रहा हूँ, ऑल इंक्लूसिव. ठीक है, मतलब ILR आ गया, गवर्नमेंट की फीस, ये फीस, सब फीस उसमें इंक्लूड है. ठीक है, तो मतलब एक मेन एप्लीकेंट है, दो फैमिली मेंबर है, तो मेन एप्लीकेंट का अराउंड 6,500 पाउंड हो गया, पर डिपेंडेंट का 4,500 पाउंड हो गया. ये हो गई सिर्फ गवर्नमेंट की फीस. उसके बाद आप और कौन कौन सी फीस हो सकती है इसके अंदर, और क्या क्या चीजें दिमाग में रख सकते हैं? बाकी तो इन्वेस्टमेंट है उनकी तरफ से. यस, इन्वेस्टमेंट का फंड्स जो भी वो डिसाइड करते हैं. अगर वो बाहर से आ रहे हैं, मतलब कि ओवरसीज से अगर वो माइग्रेट हो रहे हैं, तो उनको ये भी सोचना है कि उनको अर्ली डेज उनकी सैलरी कितनी है, लिविंग एक्सपेंस कितनी है. yes. वो भी सोचना है बिकॉज इट्स ऑफकोर्स डेवलप्ड कंट्री. So, वो कितना लगेगा उनको सोचना है कि लिविंग एक्सपेंस कितनी लगेगी, वो भी चाहिए उनको एज अ डिस्पोजेबल फंड्स. एंड लास्ट एंड फाइनल इज द लॉयर्स फीस, जो प्रोफेशनल सर्विसेज फीस होती है. वैसे अगर दे टेक आवर सर्विसेज और समबडी एल्सेस और दे डू इट देमसेल्फ, इट इज अप टू देम, बट दैट शुड बी इनटू कंसीडरेशन एज वेल. ओके ओके, सो नाउ द बिग क्वेश्चन इज व्हाट आर द फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स और फाइनेंशियल लाइक एविडेंस जो प्रोवाइड करने पड़ेंगे. मान लो कोई कंपनी सेटअप करना चाहता है, किस किस टाइप के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है?
ये बहुत ही इजी है, इसमें कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे बड़ा ही पूछा जाता है। जो हम स्टार्ट करते हैं ना काम, तो हम उसको इनसे ये मांगते हैं कि पहले आपका सीवी दे दो, ठीक है, जो भी आपकी सीवी है, आपकी एक्सपीरियंस है, हमें दे दो कि पता चले कि भाई आप कैसे रन करोगे, आपके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं। दूसरा, आपका बिजनेस का थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे दो, हम मांगते हैं कि आपको क्या बिजनेस करना है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन चाहिए हमें, कुछ और नहीं चाहिए, ठीक है। और उनकी आईडी और एड्रेस प्रूफ चाहिए, जस्ट टू प्रूव कि भाई यू आर हु यू आर। वी नीड टू आईडी, वी नीड टू डू दैट ड्यू डिलीजेंस ऑन अ क्लाइंट। तो इतनी चीज से काम स्टार्ट होता है। और इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की सर्टिफिकेट चाहिए जब हम स्किल वर्कर वीजा अप्लाई करते हैं तब। ये टाइमलाइन भी इंपॉर्टेंट है, शायद क्वेश्चन आपके लिए होगा, लेकिन ले मैं डील कर लेता हूँ। टाइमलाइन क्या होती है, जब स्टार्ट करते हैं ना, एंड टू एंड प्रोजेक्ट है रफली 6 मंथ्स, एंड टू एंड रफली 6 मंथ्स। इफ वी आर लकी एंड इफ एवरीथिंग गो स्मूथ 4 मंथ्स, अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो 8 महीना, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है होम ऑफिस के हाथ में होती है, हमारे हाथ में नहीं होती है, ठीक है। तो रफली बोल पाक 6 मंथ पकड़ लो। तो इंग्लिश टेस्ट जो है हमें लास्ट फेज में चाहिए, स्किल वर्कर वीजा अप्लाई करने से पहले, जो 4 महीने के बाद हुआ रफली। तो ये चीज होती है, डॉक्यूमेंट में और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। डिस्पोजेबल फंड आपके पास रेडी है, बढ़िया है, इट डजंट नीड टू बी मेंटेन, उसका कोई मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ डिस्पोजेबल फंड लेकिन आपके पास होनी चाहिए। होनी चाहिए। और ज्यादा बहुत ज्यादा डिटेल में मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे। अब सबसे ज्यादा दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि कितना पैसा इसमें लग सकता है, इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, प्लस वगैरह पे कितना लग सकता है, और साथ में इफ यू डोंट माइंड सॉलिसिटर की फीस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज डेफिनेटली ये एक इस टाइप का वीजा है जिसमें टेक्निकल एक्सपीरियंस, पास एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है सॉलिसिटर का, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट प्रोसेस हो सकता है, पूरा एक्सपीरियंस चाहिए होता है एक सॉलिसिटर का। तो उसकी कितनी फीस होती है? तो इन टोटल अगर हम सोचे कि एक बंदे को स्टार्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं स्टार्ट करना चाहूँ एक बिजनेस, तो उसमें स्पॉन्सर लाइसेंस लेना चाहूँ, किसी को स्किल्ड वर्कर देना चाहूँ, तो मिनिमम मैं कितना सोच के चल सकता हूँ? एब्सोल्युट, रियली गुड क्वेश्चन, ये आपने अच्छा पूछ लिया। हम 3 साल से ये कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें मोटा मोटा पता है कि कितना लगता है। तो मैं सिर्फ वो मोटा मोटा नंबर ही आपको बताऊंगा बेस्ड ऑन मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि हमने 100 क्लाइंट्स का एप्लीकेशन कर चुके हैं, नंबर 1। 50 से भी ज्यादा क्लाइंट्स के वीजे लग चुके हैं, That's great. 50 से भी ज्यादा सक्सेसफुल वीजे लग चुके हैं सेम रूट को अप्लाई करके। तो ये एक सक्सेसफुल रूट है, ट्राइड एंड ट्रस्टेड रूट है, हमारी कंपनी के साथ हमने किया हुआ है, सो इट्स लेजिटिमेट एंड इट वर्क्स, नंबर 1। तो बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस क्या है कि हमारी फीस, मैं पहले बोल देता हूं आउटलाइन आपकी ऑडियंस के लिए, 30,000 प्लस VAT हम चार्ज करते हैं, ठीक है। इसमें पूरा पैकेज है, उसमें स्टेज 1 जो इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी से लेके बिजनेस बैंक अकाउंट से लेके HMRC रजिस्ट्रेशन करके चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट की फीस मिला के है। उसके बाद जो स्पॉन्सर लाइसेंस हम करवाएंगे वो है, और स्किल वर्कर वीजा वो है। इसके अंदर ना ये होता है, होम ऑफिस की विजिट्स भी होती है, कंप्लायंस विजिट होती है, वो लोग स्क्रूटनी नहीं करते हैं कि भाई लाइसेंस देने से पहले स्किल वर्कर वीजा दे, वो सब इंटरव्यू होते हैं, वो सब इसके अंदर जो भी प्रिपरेशन होती है वो सब फिक्स्ड फीस के अंदर इंक्लूडेड है। क्लाइंट के लिए हम सिर्फ सिंगल पॉइंट कॉन्टेक्ट है, उनको किसी और को कनेक्शन कॉन्टेक्ट नहीं करना है, हम भी सब सिंगल पॉइंट कॉन्टेक्ट से उनकी पूरी एंड टू एंड डिलीवरी करवा देंगे। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड उसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाई है 3 मिनट की, वो हम लिंक डाल सकते हैं, उनको ठीक है, देखना इस है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। ठीक उनको पता चल जाए कि भाई क्या है इसमें, लोग क्या करते हैं। है, They can also feel free to contact my office, they can advise, लेकिन उसको वीडियो में सब पता चल जाएगा, 3 मिनट में मैंने समझा होगा कि क्यों कितना चार्ज कर रहे हैं, कैसे चार्ज कर रहे हैं, क्या इंक्लूडेड है। तो ये हमारी फीस हो गई। गवर्नमेंट की फीस हमने बोल दिया, लेकिन ऑफ कोर्स अगर दर्शक उनको अगर नोट करना चाहे तो कर ले। मेन एप्लीकेंट के लिए 6,500 पाउंड है, 5 साल का वीजा लगता है स्ट्रेट। डिपेंडेंट के लिए 4,500 पाउंड पर डिपेंडेंट लगा ले, और जितने भी आपके डिपेंडेंट है, स्पाउस, पार्टनर, चिल्ड्रन, आप अपना कैलकुलेशन कर ले। इसके ऊपर जो है आपको ये सोचना है कि यार आपको लिविंग एक्सपेंस भी देखना है, इन्वेस्टमेंट भी देखना है, कितना आप इन्वेस्ट करोगे आप खुद के बिजनेस को चलाने के लिए। ठीक है, तो 50-55,000 लीगल फीस हमारी फीस और गवर्नमेंट की फीस हो जाती है रफली। ठीक है, 25-30 हज़ार पाउंड मैं और पकड़ता हूँ ठीक है, जस्ट टू स्टार्ट द लाइफ इन द UK। तो यस, 75,000 इज द बोल पार्क नंबर टू किक स्टार्ट द प्रोजेक्ट। इतना डिस्पोजेबल फंड्स होना जरूरी है मेरे हिसाब से। यस अगर कोई खुद कर लेता है तो उनकी हमारी फीस तो बची जाती है, तो आपका कम से कम में भी स्टार्ट हो सकता है, 30-40 हज़ार में भी स्टार्ट हो सकता है, 20 हज़ार में भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन ये जो है ना 75 इज द राइट बोलपार्क फिगर। ओके 100,000 इज मोर कंफर्टेबल, अगर वो बाहर से आ रहा है ना तो उनको तो
कुछ सेटअप है ही नहीं उनके पास, तो आई वुड से 100 इज अ गुड नंबर, 100 के आसपास, मतलब कि इंडियन रुपीज में अगर गिनने जाए तो 1 करोड़ रुपीज इज अ डिस्पोजेबल है उनके पास, तो वो अपनी फैमिली के साथ बच्चों के साथ यहाँ पे माइग्रेट हो सकते हैं टू रन देयर बिजनेस। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे से डिटेल में हमें एक्सप्लेनेशन दी है, एंड मैं यही चाहता था कि हमारे ऑडियंस को ये पता चले। एंड मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ यहाँ पे, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेटिंग अप अ बिजनेस, रनिंग अप अ बिजनेस, सो कई लोगों को ये नंबर सुन के ऐसा लग सकता है कि यार बहुत ज्यादा है 75,000, बिकॉज अगर आप यहाँ पे जॉब करते हो तो उसमें डिफरेंट सिनेरियो होता है, बट अगर आप यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली 50-70,000 pounds जो है वो एक स्टार्टिंग फिगर होती ही होती है। एंड अगर आप यहाँ पे आप खुद सेल्फ स्पॉन्सर करना चाहते हो तो डेफिनेटली 75,000 pounds आपने जो नंबर बताया वो दैट शुड बी द इनिशियल नंबर। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा लगा यश आपसे मिलके, और आप बहुत अच्छे से आपने मेरे क्वेश्चंस के आंसर दिए, डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स को भी इससे बहुत हेल्प मिली होगी। और मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर कोई भी हमारी वीडियो के थ्रू यहाँ पे आते हैं या बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो दे कैन रीच आउट टू यू। कुछ स्टार्टिंग में इनिशियल क्वेश्चंस है वो फॉर्म के अंदर आप फॉर्म के अंदर फिल कर सकते हो, एंड यू कैन रीच आउट टू AYJ सॉलिसिटर, देयर टीम विल रीच आउट टू यू। और कोई भी क्वेश्चंस हो आपके दिमाग में, और हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जा सकते हो AYJ के पास, और या फिर हमारे कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट डाल सकते हो, तो वहां से हम ट्राई करेंगे कि आपको रिप्लाई करें। और होपफुली आपको इस वीडियो से जरूर हेल्प मिली होगी, एंड थैंक यू सो मच यश अगेन टू कम इन आवर वीडियो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।